रमज़ान मुबारक का महीना अपने आखिरी अशरे में चल रहा है। जैसे जैसे रमज़ान का महीना ख़त्म हो रहा है तो मस्जिदों में तरावी नमाज भी मुकम्मल हो रही है। रमज़ान मुबारक का चांद दिखने की रात से ही मस्जिदों में तरावी नमाज का सिलसिला शुरू हो जाता है और सभी नमाजी इशा की नमाज के बाद तरावी नमाज अदा करते हैं और रमज़ान के आखिरी अशरे में तरावी नमाज का ख़त्म शरीफ होने लगता है। रमज़ान के पूरे महीने के दौरान मस्जिदों में कुरान शरीफ सुना जाता है। अगर बात की जाए राज्य उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की, तो हुसैनी मस्जिद में तरावी नमाज का ख़त्म शरीफ 25वां रोज़ा 26वीं तरावी को हुआ। रमज़ान मुबारक का चांद दिखने के बाद से ही मस्जिदों में तरावी नमाज शुरू हो गई थी। पूरे रमज़ान सभी रोज़ेदारों ने अल्लाह की इबादत की, क्योंकि रमज़ान रहमत और बरकतों वाला महीना है। इस महीने में अल्लाह की नेमत और रहमत बरसती है। अब रमज़ान का महीना हमसे रुखसत हो रहा है, इसलिए रोज़ेदारों के चेहरों पर मायूसी है और ख़ुशी इस बात की है कि रमज़ान मुबारक के महीने में रोज़ेदारों ने भूखा प्यासा रहकर रोज़े रखे और अल्लाह की इबादत की। रमज़ान मुबारक के महीने में ही कुरान शरीफ नाजिल हुआ। कुरान शरीफ देखना इबादत, कुरान शरीफ पढ़ना इबादत। कुरान शरीफ ही अल्लाह की एक ऐसी किताब है जो पूरी दुनिया के लिए हिदायत बनकर अल्लाह के यहाँ से दुनिया में भेजी गई। तरावी नमाज के ख़त्म होने पर प्रोग्राम के आखिरी समय में हिंदुस्तान देश की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआओं के साथ साथ फिलिस्तीन देश के लिए और वहाँ के मुसलमानों के लिए दुआएं कराई गईं। फिलिस्तीन देश के मुसलमानों परेशान हैं और इज़राइल देश बेगुनाह लोगों को मार रहा है और छोटे छोटे मासूम बच्चों पर जुल्म कर रहा है। फिलिस्तीन के बच्चे भूखे प्यासे तड़प रहे हैं, लेकिन इज़राइल देश लगातार फिलिस्तीन के लोगों पर जुल्म कर रहा है। फिलिस्तीन की सलामती के लिए दुआएं कराई गईं। रिपोर्ट फैज़ान गुलजार, लाइव अभी तक। साहिब के औलाद के सबके में मौला जहन्नम से हम सब की आज़ादी है, जहन्नम से हम सब की आज़ादी है।